वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका फूटना अति आवश्यक हो जाता है, और ऐसा ही कुछ पाप का घड़ा भर गया था ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी वो इंसान है जो जर्मनी में बैठकर भारत के खिलाफ हर रोज अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ अफवाहें उड़ाते रहता है, नफरत परोसता है, और ये एक लेफ्टिस्ट इंसान है, एक वामपंथी है, देश विरोधी है, जो देश विरोध में इतना आगे निकल चुका है कि ये सरकार, मोदी सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले उसमें ये सिर्फ कमियां ही निकालता है। बाकी ये जिनसे जुड़ा हुआ है, जिनसे इसको पैसे मिलते हैं, उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है, और ध्रुव राठी के एल लग गए हैं, तो वो भी गंदे वाले लगे हैं क्योंकि इसके ऊपर FIR हो चुकी है। FIR इसलिए हुई है क्योंकि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी लड़की ने UPSC क्लियर किया, अंजलि बिरला ने, तो इसने एक अफवाह फैलाई जिसे पैरोडी अकाउंट कहा जा रहा है ध्रुव राठी का, हालांकि चलाता भी यही होगा या इसकी टीम चलाती होगी, और ये अपनी भड़ास दूसरे माध्यम से निकालना चाह रहा होगा कि ताकि इसके ओरिजिनल अकाउंट पर कभी कोई असर ना पड़े। तो उस पैरोडी अकाउंट से ट्वीट किया गया कि UPSC बिना एग्जाम दिए ही ओम बिरला की बेटी ने क्लियर कर लिया, और भी तस्वीरों का इस्तेमाल भी कर लिया बिना किसी के परमिशन के, और एक फेक अफवाह उड़ाई, बाद में इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया जब ये मामला बढ़ने लगा। महाराष्ट्र साइबर सेल ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है, FIR हो गई है। हालांकि मुझे बहुत खुशी होगी जब वाकई में इस ध्रुव राठी के ऊपर कोई तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि तगड़ा एक्शन जब तक आप लोगे नहीं तब तक ये इसी तरह से नफरत और आग उगलते रहेगा। इसके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सभी को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाना चाहिए, और हो सके तो इस बंदे को अरेस्ट कर इंडिया लेकर आओ, और इसके ऊपर वो तमाम धाराएं चलाओ देश विरोध की जो इसने नफरत फैला कर रखी है। आज इन जैसे लोगों के नफरत के चलते ही देश में बहुत कुछ फैल रहा है। लोग BJP के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भाई BJP हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, देश में नफरत फैला रही है, लेकिन इन जैसे लोग न जाने कितने नफरत फैला रहे हैं पैसे लेकर। तो ऐसे लोगों के ऊपर तगड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, तभी मुझे मोदी सरकार पर पूरा यकीन होगा कि हाँ मोदी सरकार जो कहती है वो करती है, वरना ध्रुव राठी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा या उसके अकाउंट ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही नफरत फैलाता रहेगा, तो फिर तो भैया मोदी सरकार के ऊपर क्या ही कहें। तगड़ा एक्शन लो, इसको पकड़ो, जेल में डालो, इसके ऊपर एक्शन लो, तब जाकर कुछ बात बनेगी कि हाँ मोदी सरकार ने कुछ बेहतरीन काम किया है, क्योंकि देश विरोध में इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश का भला चाहते ही नहीं, उनको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ कमी ही दिखाई पड़ती है।